What if I tell you that Jujutsu Kaisen is just Naruto, but or that Jujutsu Kaisen is just Naruto where people actually आई नो कि गेगे ने खुद कहा है और एनिमे मांगा में भी काफी डिटेल्ड लेवल पे ऐसी डिटेल्स मिलती हैं कि जेजेके इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्लीच। इसीलिए मैंने जेजेके को कंपेयर किया है नारुतो से एंड बिलीव मी इस लेवल की डिटेल्स निकल के आएंगी कि तुमको विश्वास ही नहीं होगा। नारुतो में जो मादरा बन के घूम रहा है वो एक्चुअली में ओबीतो था जो कि एक अच्छा आदमी था लेकिन मादरा ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। और जेजेके में इट वाज केंजाको जो गेतो बन के घूम रहा था बट इसके केस में मैं ब्रेन वॉश नहीं कहूंगा क्योंकि उसका तो ब्रेन ही निकाल के दूसरा डाल दिया था। एंड ये ही बंदे थे दोनों एनिमे में जिन्होंने सब कुछ किया था। नारुतो में ओबीतो मादरा ने पूरी प्लानिंग करी, सब कुछ किया, सालों तक प्रिपरेशन करी अपनी इन्फिनिट सुगियोमी के लिए। एंड जेजेके में गेतो केंजाको ने सब कुछ किया था, हजारों सालों तक प्लानिंग करी थी उसने अपने मर्जर के लिए। लेकिन दोनों ही एनिमे में प्राचीन काल का कोई तो लेजेंडरी बंदा उठकर आया और उसने पूरी लाइमलाइट ले ली। नारुतो में कागुया एंड जेजेके में सुकुना। दोनों ही एनिमे में मेन कैरेक्टर नारुतो एंड यूजी। जेजेके के केस में करना पड़ता है ना क्लैरिफाई कि मेन कैरेक्टर कौन है क्योंकि गेगे ने तो किया नहीं। तो मेन कैरेक्टर के नीले बाल वाले टीममेट स्लैश फ्रेंड जिसके रिलेशन एक लेजेंडरी फैमिली से हैं, उसको एक विलन एज ए वेसल चाहता था। ओरोचिमारु चाहता था सास्के की बॉडी में आना एंड सुकुना चाहता था कि वो मेगुमी फुशिगुरो की बॉडी में आ जाए। दोनों ही एनिमे में मेन टीम के टीचर बहुत पावरफुल हैं। दोनों की आंखों में जादू है, काकाशी शारिंगन एंड गोजो सिक्स आइज। दोनों के बाल सफेद है, मुंह आधा ढका हुआ है, मिस्टर फेमस है एंड दोनों स्मार्टी से दिखते हैं। इन दोनों ही सेंसेई का एक फ्रेंड है जो कि वैसे तो राइवल है बट जरूरत पड़ने पर वो जान दे भी सकता है और दोनों ने ही जान ऑलमोस्ट दे भी दी थी। माइट गाय ने मादरा के अगेंस्ट एर्थ गेट ओपन करके एंड नानामी ने जोगो के अगेंस्ट। और ये दोनों ही दोस्त ताइजुत्सु या फिर फिजिकल पावर्स में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जेजेके एंड नारुतो दोनों में ही तीन लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं। नारुतो के तीन लेजेंडरी सानिन्स जिराया और ओरोचिमारु एंड सुनाडे और जेजेके में तीन स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स गोजो यूकी एंड गेतो। अब इनमें से एक तो हो गया मेन टीचर, वो तो ऑन टॉप रहेगा ही, एक हो गई लड़की। अब जो तीसरा कैरेक्टर बचा वो दोनों ही एनिमे में एक विलन बन गया जाके, वो भी एक्सपेरिमेंट्स करने वाला जिसका ऑब्सेशन था अमर होने का। दोनों ही एनिमे में मेन टीम का टीम स्ट्रक्चर भी सेम था, दो लड़के एक लड़की एंड लड़की रिलेटिवली वीक थी। मेन कैरेक्टर दोनों में ही एक अच्छा इंसान था, साफ दिल का विद गुड प्रिंसिपल्स एंड मेन कैरेक्टर का फ्रेंड था थोड़ा सनकी सा। सास्के कभी कह रहा है कि लीफ को तबाह कर दूंगा और कभी कह रहा है कि यहाँ का होकागे बन जाऊंगा। और मेगुमी को तो तुमने देखा ही है यहाँ पर कि मतलब इसको मारने के लिए इसे कौन लेके आता है। मेन कैरेक्टर के अंदर दोनों में ही एक डीमन टाइप छुपा हुआ है कुछ एंड उनकी एनर्जी या फिर एनिमे की पावर करेंसी चाक्रा एंड कर्स एनर्जी दोनों में ही भर भर के है, दोनों ही टैंक्स हैं इस मामले में। एंड शो का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक रासेनगन एंड ब्लैक फ्लैश दोनों ने ही ऐसे ही मस्ती मजाक में सीख लिया। अब गेगे अकुतामी चाहे खुद कितना ही डिनायल में रहे लेकिन हमें पता है कि जेजेके में रेफरेंसेस कहां से लिए गए हैं। जुजुत्सु काइसन इतना अच्छा एनिमे होने के बावजूद भी क्यों एक डिसअपॉइंटमेंट बन गया है और गेगे अकुतामी के एक भयंकर ब्लंडर को जानने के लिए तुम इस वीडियो देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।